Hi everyone, my name is Shipra और मैं आपका इस चैनल हेल्दी फूड फॉर किड्स में स्वागत करती हूँ. इस चैनल के थ्रू आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी रेसिपीज जो कि न्यूट्रिएंट से भरपूर होंगी, बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होंगी और साथ साथ में सुपर टेस्टी भी होंगी. इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन का शीरा, जो कि एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है. और साथ में जब आप देखते हैं कि जैसे मौसम चेंज होता है या मानसून का सीज़न आता है, चेंजिंग वेदर में बच्चों को हमेशा हम देखते हैं कि कफ कोल्ड चलता ही रहता है, तो उसके लिए इंस्टेंट रिलीफ है ये बेसन का शीरा, जो कि एक रामबाण के इलाज में काम आ सकता है और साथ में इंस्टेंट स्नैकर का भी है कि अगर बच्चे को भूख लगे तो हम तुरंत ही झट से बना सकते हैं. तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं बेसन का शीरा. बेसन का शीरा बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, शुगर, मिल्क, देसी घी, ड्राई जिंजर पाउडर जिसे सोट पाउडर भी कहते हैं, ब्लैक पेपर एंड इलायची पाउडर. इसे बनाने के लिए हम एक पैन ले लेंगे और उसमें 2 to 3 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे. गैस को लो फ्लेम पे रखेंगे और जैसे ही थोड़ा सा देसी घी गर्म होने लगे फिर उसके बाद हम इसमें बेसन डाल देंगे. क्योंकि हमें 1 बाउल बेसन शीरा बनाना है तो उसके लिए हमने 2 टेबलस्पून फुल बेसन लिया है. अब हम इसको धीरे धीरे चलाएँगे, क्लॉक वाइज चलाएँगे और स्लोली स्लोली इसके लम्ब्स को दूर करने की कोशिश करेंगे. बेसिकली हमें इसके लम्ब्स को धीरे धीरे हटाना है चलाते हुए. जैसे ही ये लम्ब्स हटने लगे फिर हम इसको सारे तरफ से बेसन को अच्छे से लेते हुए धीरे धीरे लो फ्लेम पे ही चलाते रहेंगे. और जैसे ही हमारा बेसन का अच्छे से लम्ब्स हटने लगे तो थोड़ा सा भुनने के बाद फिर हम इसमें अपने मसाले डाल देंगे, जो कि जिंजर पाउडर जिसे हम सोट पाउडर कहते हैं जो कि हमने 1 टेबल स्पून लिया है, इलायची पाउडर ग्रीन इलायची पाउडर जो कि 1/2 टेबल स्पून है और ब्लैक पेपर पाउडर जो कि 1 टेबल स्पून है. इसको चलाने से और इसमें अच्छी खुशबू आ गई है. और भुनने के बाद हम थोड़ा सा इसमें क्रश्ड आलमंड्स डाल देंगे सूख करा हुआ और फिर धीरे धीरे इसको चलाएंगे. देखिए 2 to 3 मिनट्स के लिए हमने चलाया है और उसके बाद इसका कलर डार्क थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन आ गया है. और इसको लगातार चलाते रहना है जिससे कि हमारा जले नहीं. और ये सभी हमें प्रोसेस लो फ्लेम पर ही करनी है. अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे, क्योंकि पहले हम 1 कप ऑफ मिल्क लेंगे और फिर उसको धीरे धीरे हम इसको चलाएँगे, उसके सारे लम्ब्स हटाएँगे और फिर स्मूथ कंसिस्टेंसी आ जाएगी. और फिर ये भी हमें लो फ्लेम पे करने के बाद जैसे ही लम्ब हट जाएँ कहीं भी चिपके नहीं, फिर इसी प्रोसेस में हम फिर धीरे धीरे चलाने के बाद ही फिर 2 कप मिल्क डालेंगे. और देखिए अब सारे हम लम्ब हट गए हैं, स्मूथ कंसिस्टेंसी आ रही है. और बेसन को हमें धीरे 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 ऐसे भुनने देना है. गोल्डन ब्राउन कलर थोड़ा और डार्क आ गया है. अब हम इसमें 2 कप मिल्क भी डाल देंगे बचा हुआ. धीरे धीरे मिल्क डालने से ये होता है कि हम एक साथ डालेंगे तो फिर लम्ब्स हटाना मुश्किल हो जाती है, धीरे धीरे डालेंगे तो स्मूथ कंसिस्टेंसी आना इजी हो जाता है और हमारा बेसन भी अंदर से कच्चा नहीं रहेगा और पक जाएगा अच्छे से. हम इसमें थोड़ा सा हल्दी भी डाल देंगे पिंच, जिससे कलर अच्छा आ जाए. और फिर इसको धीरे 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 चलाएँगे. इसको देखिए कैसे स्मूथ लम्ब्स हट गए हैं, बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी भी आ गई है. बेसन का शीरा बेसिकली बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, कफ कोल्ड के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है. बदलते मौसम में बच्चे अक्सर इनको खांसी हो जाती है, तो इसके लिए अगर जैसे ड्राई कफ है तो ये बेसन का शीरा बहुत अच्छी रेमेडी है, इंस्टेंट रिलीफ देता है कफ में. ये हम बच्चों को अक्सर दे सकते हैं. बच्चे अगर अक्सर नहीं लेते, मोस्टली ना हेल्दी चीज़ें बच्चे अक्सर अवॉइड करना चाहते हैं, वो जंक फूड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो हम इसमें और अच्छे से उसको डेकोरेट करके उनको दे सकते हैं. अब हम इसमें थोड़ा शुगर डाल देंगे, 2 to 3 टेबलस्पून फुल शुगर. शुगर डालने के बाद हम इसको कंटिन्यूसली चलाएंगे और देखिए धीरे धीरे इसके लम्ब्स और स्मूथ हो गए हैं और अब ये धीरे धीरे गाढ़ा फॉर्म में आ रहा है, थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में आ रहा है. सो बेसिकली मैं आपको बताई थी बेसन का शीरा डालने के लिए अगर हम बच्चों को इसको और डेकोरेट करके देंगे तो हम इसमें ऊपर से आलमंड, पिस्ता, काजू भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा केसर डाल दे तो उससे और अच्छा कलर आ जाता है. तो बच्चों को उसको पीने में भी अच्छा स्वाद देगा, टेस्टी लगेगा उनको और वो झट से उनको कफ में उनको आराम भी देगा. देखिए काफ़ी अच्छा है. आप चाहें तो अभी यहीं पे गैस को फ्लेम को बंद कर सकते हैं और धीरे धीरे चला के इनको ऐसे सर्व कर सकते हैं, बट अभी हम इसको 2 to 3 मिनट्स के लिए और पकने देंगे. देखिए धीरे 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 इसका थिक कंसिस्टेंसी के फॉर्म में आ रही है. अगर आपके पास सोक इसमें एलमंड्स हैं, जो कि सोक एलमंड्स डाल दिया है, सोक डेट्स हैं या अंजीर है अगर, तो वो और अच्छा ऑप्शन है.
उसमें डालने से उसमें शुगर की भी ज़रूरत नहीं होती है, हम उसको उसकी जगह वो भी ऑप्शन में ले सकते हैं। बेसिकली हमारा बेसन का शीरा तैयार है। ये पूरी प्रोसेस हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर ही करी है। धीरे धीरे इसकी गैस को हम धीमे ही रखेंगे और कंटिन्यूसली चलाते रहना है हमें, जिससे कहीं पे भी जले नहीं और हमारी स्मूथ कंसिस्टेंसी बनी रहे इसकी। देखिए अब हमारा दानेदार बबल्स बन रहे हैं और थिक कंसिस्टेंसी आ गई है। अभी हमारा सर्व करने के लिए तैयार है। मोस्टली बच्चे आते हैं, स्कूल से आते हैं, तो उनको कुछ इंस्टेंट स्नैकर चाहिए होता है, उसमें ये बेस्ट ऑप्शन है उनको देने के लिए। हेल्दी भी हो जाता है और नरिशिंग भी मिल जाता है और टेस्टी भी होता है, तो है ना, ये झट से फ़ायदा बच्चों के लिए, क्योंकि उनको टेस्टी भी लगे और हेल्दी भी हो और हम मदर्स खुश भी हो जाती हैं कि हमने कुछ अच्छा दिया बच्चों को। तो आप जल्दी से ये रेसिपी देखिए और बनाइए और मुझे भी बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड जल्दी से अपने बच्चों को पिलाइए एंड मुझे भी बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसको सर्व कर देंगे। हमारा ये स्नैकर, इंस्टेंट स्नैकर कह लीजिए, हेल्दी कफ कोल्ड रेमेडी कह लीजिए इसको, बेसन का शीरा तैयार है। अब हम इसको सर्व कर देते हैं। आप चाहें तो ऊपर से इसमें गार्निश कर दीजिए, थोड़ा सा एलमंड्स चॉप करके डाल दीजिए, कैशू डाल दीजिए और अंजीर डाल दीजिए। तो उसमें कहते हैं ना, जितना अच्छे से बच्चे को प्रेजेंट करें उतना ही टेस्टी करके खाते हैं, भी बच्चे मन से खाते हैं। तो बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।